सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे दो या दो से अधिक सालों के जो फाइनल अकाउंट हैं उनको एक साथ ओपन कर सकते हैं टैली में और कैसे उनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता होगा कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो अचानक से इतना क्यों बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आपको उसके लिए कंपैरिजन शीट बनाने की ज़रूरत होती है कि कंपैरिजन करके आप देख सकें पुराने साल में क्या था और नए साल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो दोस्तों, कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन शीट देखने के लिए आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर ओपन करना है एक साल का, चाहे आप 2016-17 ओपन कीजिए या 17-18 ओपन कीजिए, कोई भी एक साल का फाइनेंशियल ईयर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप एल्ट F1 कर दीजिए। एल्ट F1 करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ 17-18 का आपका P&L पूरा खुला हुआ है, जिसमें ट्रेडिंग भी है, आपके खर्चे वगैरह सब कुछ है। आपको राइट हैंड साइड में Alt+C प्रेस करना है न्यू कॉलम के लिए। न्यू कॉलम के लिए आप जैसे ही Alt+C प्रेस करेंगे आपके सामने एक विंडो दिखेगी, इसमें लिखा हुआ है कॉलम डिटेल। कॉलम डिटेल में फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगनिंग, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए 1/4/2016। अगर मैंने 1/4/16-17 का ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो मैं 1/4/2017 यहाँ डालूंगा। मैंने यहाँ 1/4/2017 से 18 तक की अभी बैलेंस शीट खोली हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस खोला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ 2/4/2016 से 31/3/2017 का और चाहता हूँ, इसलिए मैं ये डिटेल यहाँ डालूंगा। उसके बाद एंटर प्रेस करना है आपको। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ एक्चुअल ही रहने देना है। और एक बार और प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दो साल का कंपैरिजन शीट यहाँ आ गई है, 17-18 की और 16-17 की। इसी तरह की आपको अगर 15-16 की भी चाहिए तो एक बार Alt+C वापस प्रेस कीजिए और यहाँ लिखिए 1/4/2015, 31/3/2016। इस तरह आप कितने भी सालों का एक साथ कंपैरिजन देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पहले ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपके सेल्स जो भी हैं आपकी उनके में कंपैरिजन बता रहा है कि अब इतना है, 2016-17 में इतना था और 15-16 में इतना था, ये सबके साथ कंपैरिजन बता रहा है आपको। इसी तरह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, इसके बाद आपके इनकम में क्या डिफरेंसेस हैं, पहले क्या थे अब क्या हैं, इसी तरह आपके जो खर्चे हैं उनमें भी आपको ये कंपैरिजन करके बता रहा है। आप चाहें जिस खर्चे पर एंटर करें, एंटर करके आप देख सकते हैं किस चीज़ का खर्चा है। उसके बाद बाहर आ जाइए और बाहर आकर के आप वापस वही व्यू देख सकते हैं। चलिए अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट पर एंटर करना है। इसके बाद Alt+F1 प्रेस करेंगे डिटेल के लिए। अब वापस Alt+C प्रेस करना है न्यू कॉलम के लिए। Alt+C यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ डालेंगे 1/4/2016 से 31/3/2017, क्योंकि मेरा 17/18 तो ओपन खुला हुआ है ऑलरेडी, अब मुझे 16/17 का और ओपन करना है, इसलिए मैंने यहाँ 16/17 यहाँ डाला है। एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं आपके दो ईयर की बैलेंस शीट एक साथ आपके सामने खुल करके आई है और आप जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहें, जिसके बारे में डिटेल में देखना चाहें, उस पर एंटर करें और उसकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस को भी देख सकते हैं। उन सारी कंपनियों को ओपन करके रखना है जिनके बीच में आप कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको वो सारी कंपनियाँ दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी ओपन करने की प्रोसेस चालू करता हूँ। तो सिलेक्ट कंपनी पर अपन जाएंगे और कंपनियाँ उसको ओपन करेंगे। तो एक कंपनी तो मेरी 18-19 हो गई आसान सॉल्यूशन वाली, दूसरी कंपनी हो गई मेरी आसान सॉल्यूशन की 12 से लेकर के 18 तक, यानी कि ये दोनों कंपनियों को मैंने स्प्लिट कर रखा था और इन दोनों के बीच में अब मैं कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ। और इसी तरह से मैं एक कंपनी और खोल लेता हूँ जो अदर लोकेशन पर पड़ी हुई है। तो यहाँ बैक
इस पर अपन दबाएंगे और इससे अपन पाथ वाले लोकेशन पर आएंगे और इसको एस्केप करेंगे। उसके बाद जिस लोकेशन पर आपका डाटा पड़ा हुआ है उस लोकेशन पर हम जाएंगे। जैसे मेरा जो डाटा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है डी ड्राइव के अंदर टैली बैकअप वाले फोल्डर के अंदर। तो ये मेरा डाटा पड़ा हुआ है दूसरी कंपनी का, इस लोकेशन को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ जो पाथ लिखा हुआ है इसमें मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल एल्टर वी के साथ मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे मेरे को एक कंपनी मिली आसान क्रिएशन, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। जितनी भी कंपनियों में आप कंपेरिजन कराना चाहते हैं उनको आप यहाँ ओपन कर लीजिए। तो इतना करने के बाद आपको जिस फाइनल अकाउंट को देखना है, जैसे मेरे को पीएनएल के बीच में कंपेरिजन चाहिए तीनों कंपनियों के, तो मैं पीएनएल में आऊँगा। और पीएनएल में आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल आसान क्रिएशन का पीएनएल खुला हुआ है 18-19 का। अब मुझे और भी खोलना है, मैं चाहता हूँ कि आसान सॉल्यूशन का 17-18 का कंपेरिजन मैं करना चाहता हूँ। तो एल्ट सी अपन करेंगे, यहाँ साइड में आप देख सकते हैं न्यू कॉलम एल्ट सी करेंगे। अब यहाँ तीनों कंपनियों के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं जो कि पुराने वाले ट्यूटोरियल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने आप तीनों कंपनियाँ लोड कर रखी हैं और ये तीनों कंपनियों के नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों के बीच में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अब मैं आसान क्रिएशन तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर ही रखी है, अब मैं चाहता हूँ आसान सॉल्यूशन 18-19 भी मेरे ओपन हो जाए। तो मैं इतना करूँगा तो मेरे आसान सॉल्यूशन 18-19 भी ओपन हो गया है, ये आसान क्रिएशन है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आसान सॉल्यूशन का 17-18 वाला है वो भी मेरे लिए ओपन हो जाए। तो मैं आसान सॉल्यूशन का 17-18 वाला कंपनी पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ डालूँगा अप्रैल 17 और नीचे डालूँगा मार्च 18। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीनों कंपनियों का कंपेरिजन, जो एक कंपनी तो है अलग लोकेशन पर जिसकी लोकेशन ही बिल्कुल अलग है, और दो कंपनियां हैं जो सेम कंपनी को बिलोंग करती हैं लेकिन उनका पीरियड अलग अलग है। तो इन तीनों कंपनियों के बीच में मैंने यहाँ कंपेरिजन करके आपको यहाँ दिखाया है। ये दोनों कंपनियां चाहे स्प्लिट की हुई हो या चाहे सेम कंपनी हो जो अलग अलग पीरियड की है, वो आपको कंपेरिजन कर सकते हैं। आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस आपने अभी तक नहीं डाला है जो आपको डालना चाहिए, या कौन सी इनकम आपने नहीं डाला है। इस तरह से आप अपने अकाउंट्स को फाइनल कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस आपकी बैलेंस शीट के लिए भी है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।